इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है, एक कप सूजी लिया है, 2 टेबल स्पून कटा हुआ बादाम लिया है जिसको मैंने गोल गोल टुकड़ों में कट किया है, और लिया है मैंने 2 टेबल स्पून काजू, इसे भी मैंने राउंड शेप में कट किया है गोल गोल टुकड़ों में। 4 टेबल स्पून नारियल लिया है, इसे भी मैंने गोल गोल टुकड़ों में कट किया है। 1 टी स्पून नमक लिया है स्वाद के हिसाब से। 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, जो खाने वाला सौंफ होता है वही सौंफ है। हाफ कप लिया है मैंने गुड़ पाउडर, मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने नॉर्मल पानी लिया है। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर डाल देंगे हम गेहूं का आटा और डालेंगे हम सूजी। मैंने बारीक वाला सूजी लिया है, अगर आपके पास मोटा सूजी हो तो आप उसे ग्राइंडर जार के अंदर डालकर उसे बारीक कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसके अंदर गुड़ का पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे काजू और बादाम, और डालेंगे हम नारियल, सौंफ और नमक। सभी चीज़ों को एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट जो है आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप कम ड्राई फ्रूट भी डालकर बना सकते हैं, या जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद ना हो उसे आप हटा भी सकते हैं। तो चलिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेते हैं। मैंने इसे अच्छे तरीके से घोल के रेडी कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें ऐसे ही घोल कर रेडी करना है। तो चलिए हम इसे घोल कर रेडी कर लिए हुए हैं, अब हम इसे ढक देते हैं, ढक के इसे कम से कम 1 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ देंगे। सूजी और आटा को फूलते हुए 1.5 घंटा हो चुका है, तो चलिए इसके अंदर डालते हैं 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप 1 टी स्पून का डालकर इसे बनाकर रेडी करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1 टी स्पून के जितना। बेकिंग सोडा डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है, अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरीके से इसे घोल कर रेडी करना है, बहुत पतला नहीं बनाना है इसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को गीला कर लेंगे नॉर्मल पानी से, उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। हाथों को गीला करने के बाद अब हम इस डो से लेंगे और आपको जिस भी साइज में बनाना हो उस हिसाब से ही उठाएंगे, इस तरीके से जिस तरह से बड़ी फ्राई करते हैं, पकौड़ा फ्राई करते हैं बेसन का, उसी तरीके से इसे फ्राई करके रेडी करना है। इसके लिए मैंने तेल को पहले से ही गर्म कर लिया हुआ है, तो चलिए हम इसे तेल के अंदर डाल देते हैं। आपको जिस भी साइज में बनाना हो उसी साइज में इसका डो लेकर इसे तेल में डालेंगे।
इसे तेल में डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इस तेल में से स्पून चम्मच की सहायता से स्पैचुला की सहायता से इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे तरीके से फूल जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये फूल रहा है। ये गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो जाए। थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये तेल के ऊपर तैरना शुरू कर दिया है, ये कढ़ाई को छोड़ दिया है। जब ये नीचे से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई है तब हम इसे पलट देंगे। इसे पलटने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे नीचे साइड से भी दूसरे साइड से भी अच्छी तरीके से डार्क गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी करेंगे। जब ये नीचे से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे अलट पलट करते हुए थोड़ी देर फ्राई करेंगे इस तरीके से, ताकि ये अच्छी तरीके से चारों तरफ कुक होकर रेडी हो जाए और क्रंची फ्राई होकर रेडी हो। जब ये चारों तरफ से डार्क गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर रेडी हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे और इसे प्लेट में डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए घोल का भी फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। सेम तरीके से इसे भी फ्राई करके रेडी करना है। कढ़ाई में डालने के बाद इसे इसके ऊपर से हल्का हल्का गरम तेल डालना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। दूसरे बैच को भी मैंने डार्क गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे भी प्लेट में डाल देते हैं। इस तरह मैंने सभी गुलगुला पुआ को फ्राई करने के बाद इसे सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होता है। प्लीज़ इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी बनाने और खाने में कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो चलिए मैं आपको एक बार प्रूफ करके दिखाती हूँ। एक दूसरे के ऊपर इसे रगड़ते हैं और इसकी आवाज़ को सुनते हैं। कहीं से भी रगड़ लीजिए, इसे बहुत ही क्रंची बनकर रेडी होता है ये, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको एक तोड़ कर भी दिखा देते हैं कि ये अंदर से सॉफ्ट है या नहीं। आप देख सकते हैं, आप किसी को भी उठाकर देखेंगे तो ये क्रंची है ऊपर से, नीचे वाला भी आप जब नीचे जब बिल्कुल ठंडा हो चुका है उसे भी आप चेक करेंगे तो वो भी उससे भी आवाज़ आएगी। ऊपर से बहुत ही क्रंची होता है, आप इसे 5 से 6 दिन तक स्टोर करके भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम इसे एक बार तोड़ कर भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी है ये, वाह, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है ये। ऊपर से जितना ही ज़्यादा क्रंची उतना ही ये अंदर से सॉफ्ट है। जैसा ये दिखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी और हेल्दी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर जाली पड़ी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे होली के टाइम में बना के ज़रूर ट्राई करेंगे, या फिर जब भी आपको खाने का मन करे, कुछ अच्छा और आसान बनाना हो और खाने में टेस्टी हो, तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी होता है।
आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए हम इसे एक डब्बा के अंदर स्टोर कर देते हैं। आप भी इसे बनाएं और किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और 5 से 6 दिन तक खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। गुलगुला पुआ को बनाते समय अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गुलगुला पुआ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक होकर बन करके रेडी हो जाएंगे। जैसे कि जब हम इसका बैटर तैयार करते हैं तो बैटर तैयार करते समय इसे अच्छी तरीके से फेंट कर रेडी करना है और इसे 1 से 1.5 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ देना है। और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो फ्राई करते समय जब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं तो इस गुलगुला पुआ को कढ़ाई में डालने के बाद पुआ के ऊपर तक तेल होना चाहिए, मतलब कढ़ाई में इतना तेल होना चाहिए जिससे गुलगुला पुआ जो है तेल के अंदर डीप हो जाए। थोड़े से तेल में इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छी तरीके से फूलकर रेडी नहीं हो पाएगा। तो कढ़ाई में अच्छी तरीके से तेल होना चाहिए और तेल अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद ही इसे डालना है पुआ को। पुआ को डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और पुआ के ऊपर से हल्का हल्का तेल जो है स्पैचुला की मदद से डालते रहेंगे ताकि ये पुआ जो है अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो जाए। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही अच्छी तरीके से अलट पलट करते हुए डार्क गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। इस तरीके से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गुलगुला पुआ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई होकर रेडी हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करेंगे।